नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 जून बुधवार दोपहर 12 बजे राजस्थान की खास खबरें। जोधपुर एसीबी की टीम भ्रष्टाचारियों को रंगे हाथों ट्रैप करती है, लेकिन अपने रसूख और सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाकर भ्रष्टाचारी आरोप मुक्त हो जाते हैं और फिर से भ्रष्टाचार का खेल खेलने लगते हैं। यह बात मंगलवार को नागौर जिले के खीमसर में सच साबित हो गई, जब एसीबी की टीम ने एक रिश्वतखोर पटवारी श्रवणराम लाल को 7,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यही पटवारी श्रवणराम साल 2011 में भी रिश्वत लेते ट्रैप हुआ था। जानकारी के अनुसार जोधपुर एसीबी ने जोधोर की बावड़ी तहसील निवासी परिवादी जीवनराम निम्बारिया ने शिकायत दी थी कि परिवादी के पिता की खरीदशुदा कृषि भूमि है, जिसका भाइयों में बंटवारे को लेकर नामांकन दर्ज करवाने की बात हल्का पटवारी श्रवणराम खुंडीवाल से की है। हल्का पटवारी खीमसर पहले तो एक माह तक टालमटोल करते रहे, इसके बाद बीती 25 मई को 10,000 रुपये लेकर बंटवारे का नामांकन तो दर्ज कर लिया, मगर दोनों भाइयों के नामांतरण के बाद अलग अलग भाइयों के नाम से तरमीम को लेकर अंकित करनी चाहिए उसकी एवज में फिर 10,000 रुपये की रिश्वत की डिमांड की गई। परिवादी जीवनराम ने 2,000 रुपये हल्का पटवारी खीमसर को दे दिए और सौदा 9,000 रुपये में तय हुआ, जिसके बाद शेष रकम 7,000 रुपये लेते हुए एसीबी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से कम हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बुधवार सुबह आई रिपोर्ट में बड़ी राहत देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में दूसरे दिन देश में 1,00,000 से कम आंकड़े सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देश में 92,596 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 1,62,664 लोगों ने संक्रमण को मात भी दी। वहीं राहत की बात यह है कि नए आंकड़ों के साथ ही कोरोना से रिकवर करने वालों की संख्या अधिक बनी हुई है। इसी के साथ एक्टिव केस यानी इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या अब 12,31,415 रह गई है। केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों में दी जाने वाली वैक्सीन की कीमतें तय कर दी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन अस्पतालों में कोविशील्ड सबसे सस्ती दरों पर मिलेगी। इसकी कीमत 780 रुपये तय की गई है। सबसे महंगी कोवैक्सीन है, जो 1,410 रुपये में दी जाएगी। स्पुतनिक वी की कीमत 1,145 रुपये होगी। केंद्र सरकार स्टेट बॉडी के साथ रेट की निगरानी करेगी। ज्यादा कीमत वसूलने पर प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स या निजी अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। केंद्र ने राज्यों से कहा कि 150 रुपये सर्विस चार्ज से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल न लें। जयपुर जिले के कोटपुतली थाना क्षेत्र में एक महिला बच्चे को लेकर सूखे कुएं में कूद गई। राहगीर ने आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी। सूचना पर नगरपालिका की टीम व पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा। हालांकि समाचार लिखे जाने तक पुलिस और नगरपालिका की टीम महिला व बच्चे को कुएं से बाहर निकालने के प्रयास कर रही थी। प्रेम विवाह के एक मामले में लड़की के नाबालिग होने पर अपहरण की एफआईआर को रद्द करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि अगर दोनों विवाहित हैं और साथ रह रहे हैं तो पति ही उसका अभिभावक है, ऐसी स्थिति में इसे अपहरण का मामला नहीं माना जा सकता। और इस टिप्पणी के साथ ही हाईकोर्ट ने एफआईआर खारिज करने के आदेश जारी कर दिया। हरियाणा के पानीपत निवासी युवक ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि उसने और शिकायतकर्ता की बेटी ने घर से भागकर विवाह किया था, इसके चलते पिता ने अपहरण व अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाई थी। याचिका में बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेश पर ही डीएसपी के सामने शिकायतकर्ता की बेटी का बयान हुआ था, जिसमें उसने कहा था कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है और याची उसका पति है। इसके बाद सब डिवीजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने हुए बयान में भी उसने इसी बात को स्वीकार किया। हाईकोर्ट ने याची पक्ष और शिकायतकर्ता को सुनने के बाद कहा कि भले ही लड़की विवाह के समय नाबालिग थी, लेकिन उसने अपनी इच्छा से विवाह किया था और वर्तमान में वह साथ रह रही हैं। हिंदू मॉनिटरी में एवं गार्जियनशिप एक्ट के अनुसार पति लड़की का अभिभावक होने का अधिकार रखता है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में एक परिवार पर इतना बड़ा कहर टूट पड़ा कि एक साथ 5 परिजनों की अर्थियां उठ गई। दरअसल श्री डूंगरगढ़ से बीकानेर के लिए यह परिवार एक कार में आ रहा था। यहां पीबीएम अस्पताल में उनका रिश्तेदार भर्ती था। रास्ते में ही सड़क हादसा हो गया और कार में सवार 4 जनों की मौत हो गई। देर रात उस शख्स ने भी दम तोड़ दिया, जिसका हाल जानने के लिए ये चारों बीकानेर आ रहे थे। ऐसे में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत एक दिन में ही हो गई। 5 शवों को रात भर घर में नहीं रखा गया और देर रात इन सभी का अंतिम संस्कार कर दिया। इस हृदय विदारक घटना के बाद बुधवार सुबह आसपास के बाजार तक बंद रहे। पुलिस ने बताया कि यह परिवार आड़सर गांव का है। यहां महावीर प्रसाद माली के बड़े बेटे लालचंद का स्वास्थ्य कुछ दिन से ठीक नहीं था। उसे पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लालचंद की कुशल क्षेम पूछने के लिए उसकी पत्नी मैना, भाई हरि प्रसाद की पत्नी गायत्री, हरि प्रसाद का पुत्र अतुल और दूसरे भाई किशोर की पत्नी सविता पीबीएम अस्पताल की तरफ जा रहे थे। रास्ते में ही उनकी कार एक कैंपर से भिड़ गई।
गई जिसमें चारों की मौत हो गई। वैष्णो देवी मंदिर में मंगलवार शाम को भीषण आग लग गई। इस आग की लपटें और धुआं दूर दूर तक दिखाई दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग मंदिर की गुफा से 100 मीटर की दूरी पर कालिका भवन के पास काउंटर नंबर 2 पर लगी है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मंदिर में आग लगने के बारे में पता चलते ही फायर विभाग के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंच गए। उन्होंने वहां मौजूद लोगों की मदद से आग बुझाई। आग में किसी के झुलसने की खबर नहीं है। आयकर विभाग ने सोमवार देर रात नए इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च कर दिया। दावा किया गया था कि नई वेबसाइट को पहले से बेहतर बनाया गया है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद नई वेबसाइट में गड़बड़ियों की शिकायतें आने लगी। इसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंफोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकानी से इसमें सुधार के लिए कहा है। नए पोर्टल को डिजाइन और मेंटेन करने की जिम्मेदारी इंफोसिस को ही दी गई है। निर्मला ने ट्वीट में नंदन नीलेकणी को टैग करते हुए लिखा कि टैक्स पेयर्स को सर्विस की क्वालिटी में कमी न होने दें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली में एक FIR दर्ज करवाई गई। दिल्ली के नागरिक मनीष सिंह ने ये केस दर्ज करवाया है। दरअसल इंस्टाग्राम पर हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा है। सिंह ने अपनी शिकायत में कहा कि इंस्टा ने भगवान शिव के स्टिकर को अपमानजनक तरीके से दिखाया। शिकायत में कहा गया है कि इंस्टाग्राम पर ही वर्ड सर्च करने पर कई स्टिकर्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें से एक में भगवान शिव का वाइन ग्लास और फोन के साथ दिखाया गया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।